हमारे सीरियल में जब तक ड्रामा ना हो सीरियल अधूरा सा लगता है। हमारा मतलब है मेलोड्रामा से। हर रोज किसी ना किसी को मेलोड्रामा का बुखार आ ही जाता है। आज ये मेलोड्रामा का बुखार चढ़ा है पिया अलबेला के नरेन बाबू को, जो ढोल बाजे के साथ अपने घर पर लाए हैं दो दो पालकियां, और दोनों ही पालकियों से घर में उतारा है उनके जीवन की दो विशेष महिलाओं को। एक में है उनकी प्राण प्रिय श्रीमती पूजा, और दूसरे में है उनकी माँ, जिन्हें वो पूजा की माँ समझते हैं। जी, आज पालकी में नरेन, पूजा और उनकी माँ चंद्रिका माँ को लेकर आए हैं पूरे इज्जत और सम्मान के साथ, और उन्होंने अपना लिया है पूजा को और माँ को, और उन्होंने कहा है कि अब शक का पर्दा हटाकर फिर से एक बार चांस दे देते हैं। घर वाले सब देखते रह गए। नरेन के पापा ने जब पूछा तब नरेन ने बताया कि अब तक वो पूजा को और उसकी माँ को समझ नहीं पाए थे, मगर अब उनके साथ प्यार से रहना जरूरी है, उन्हें घर पर रखना जरूरी है। नरेन के बदले हुए तेवर से पूजा भी परेशान है और घर वाले भी। इस बात की खुशी है पूजा को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ there's a miss, क्योंकि एकदम से नरेन का चेंज ओवर आया है। लेकिन फिलहाल तो वो खुश है कि वो घर पे है और चंद्रिका माँ को भी अपना लिया है। पूजा तो खुद भी यही चाहती थी कि नरेन जो है वो चंद्रिका माँ को पूरे सम्मान के साथ अपनाए और पूजा के प्यार को भी अपनाए, और आज वो दिन आ गया है। वो लेकर भी आए हैं घर में पूरे सम्मान के साथ, पूरे परिवार के अगेंस्ट जाकर दोनों को घर पर लेकर आए हैं। लेकिन इतनी जल्दी चेंज ओवर हुआ है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है पूजा को। नरेन का कोई तो मकसद है जिसे पूरा करने के लिए ये ड्रामा हो रहा है, और ऐसे ड्रामे होंगे तभी तो सीरियल देखने में भी लोगों को मजा आएगा। लोग जो देखना चाहते हैं वही तो सीरियल वाले दिखाते हैं।